जगह पर जला दिया गया प्राइवेट जगह पर। उसके बाद से हम छटपटाने लगे तो उसमें भी और घिच घिच के मारने लगे वो, तो हमको फिर रूम में बंद कर दे। जब मेरा बच्चा सब रोकने के लिए आया तो मेरा बच्चा सबको भी मारता था, मेरी बेटी दोनों बेटी को कुछ ज्यादा ही। मेरे पति मेरे बहुत मुझे टॉर्चर करते हैं, पीते खाते हैं बहुत शराबी है, कमाने के लिए बोलते तो कमाते नहीं है, और उसके बाद जब कमाने के लिए बोलते है तो जो भी दो चार रखा भी रहता है तो घर में आता है पी खा के वो खर्चा करके रख देते हैं। लगातार दो बच्ची होने के बाद और ज्यादा प्रताड़ित करने लगा, प्रताड़ित के साथ साथ मार पीट सब होता था। उसके बाद इधर 30/5/24 को वो लोग जो है से बुरी तरह से इसके साथ मारपीट किया, इसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया, जान मारने का प्रयास किया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। पति से तंग आकर प्रीता आज तिरहुत रेंज के आईजी से मिलने के लिए आईजी कार्यालय पहुंच गए। बता दें कि प्रीता जो है उसका आरोप है कि उसके पति के द्वारा लगातार जो है मारपीट किया जाता है और दहेज की मांग की जाती है। 2013 में जो है प्रीता की शादी हुई है और उसके 3 बच्चे भी है। प्रीता का ये भी कहना है कि देखिए लगातार जो है पति के द्वारा और जो ससुराल वाले हैं उसके द्वारा लगातार जो है मारपीट और गाली गलौज किया जाता है। यहाँ तक कि बीते दिन जो है मारपीट के दौरान जो है कई जगहों को जला दिया गया है, आग लगा दिया गया, इसके साथ साथ प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया जैसा प्रीता का कहना है। तो प्रीता देखिए कि आईजी के पास गुहार लगाने के लिए पहुंची है, क्या कुछ कह रही है प्रीता और न्याय की गुहार लगा ली है, पहले आप वो सुनिए। दहेज प्रथा पे है, मेरे पति मेरे बहुत मुझे टॉर्चर करते हैं, पीते खाते हैं बहुत शराबी है, कमाने के लिए बोलते तो कमाते नहीं है, और उसके बाद जब कमाने के लिए बोलते है तो जो भी दो चार रखा भी रहता है तो घर में आता है पी खा के वो खर्चा करके रख देते हैं। 3 3 बच्चा है ना, उसका खर्चा उठाता है ना कुछ, जिंदगी माई मम्मी पापा के भरोसे पे रहता है। 2013 में आए हैं 2030 तारीख को रात की बात है, तो 30 तारीख को जब पी के आया था कोई बात के लिए, भसा भसी हुआ इसी सब के बात के लिए। जब हम मना कर दिए कि नहीं होगा हमसे नहीं दे पाएंगे, तो बस वो अपना जो प्लान बनाया था प्लान के साथ मिल के हमको वो जगह पर जला दिया गया प्राइवेट जगह पर। उसके बाद से हम छटपटाने लगे तो उसमें भी और घिच घिच के मारने लगे वो, तो हमको फिर रूम में बंद कर दे। जब मेरा बच्चा सब रोकने के लिए आया तो मेरा बच्चा सबको भी मारता था, मेरी बेटी दोनों बेटी को कुछ ज्यादा ही। उसी जगह मेरी बच्चा किए थे जाके, तो उस जब निकले गए तब मकान मालिक निकलवाए ना, तो उसी रात में गए तो फिर बिहान होके भोरबा में यहाँ देखवाए सदर हॉस्पिटल, और उसी समय वो कागज लेके गए थाना पर कम्प्लेन करवाने के लिए। तो उस समय एक बार गए वहाँ पर थाना लेके पुलिस का, तो वो बोला कि सब नहीं ये सब बात अति नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, चलिए बैठ के सुलझा लेंगे, फिर भी नहीं समझे। और उसके बाद से करते करते 2 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहता था वो? आप कहता है कि अब हमको तुमको रखना ही नहीं है, तुमको जो करना तुम कर सकती है। 2 लाख रुपया मांगता बाबा दहेज के लिए, अथी करते रहता है, तो हम क्या ची करे उसके लिए, सबको सुनवाई चाहिए ना। 2013 में हुआ शुरू से सगरा, तो हमको पहले एगो बेटी हुई तो ठीक था, दूसरी बेटी हुई तब से मुझे मेरे साथ टॉर्चर करने लगा कि तुमको खाली बेटियों लगे कि खाली बेटी होता है बेटा नहीं होता है, गाली गलौज के मतलब सदर लैंग्वेज से बात करने लगा, तब से उस लोग को पसंद नहीं है। उसके परिवार वाले भी टॉर्चर करते थे? हाँ सब, मेरे देवर, मेरे ससुर, मेरी सास, कोई ऐसा नहीं होगा कि हम पर हाथ नहीं उठाया होगा, सब हम पर हाथ उठाता था, कोई कोई बात पर एनी टाइम झगड़ा हमसे करते रहते हैं, इसी सब के चीज लिए बोलते हैं आज गए कम्प्लेन करने के लिए। शादी जो हुई थी मैंने राजा मंदिर से हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, मंदिर में अन्नपूर्णा मंदिर होटल से शादी हुई है। हाँ हाँ सब कुछ देव के। अभी आई आईजी के पास क्या था? तो वो सर बोले हैं कि हाँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा, अभी जाओ साथ में रिपोर्ट लेके, तो देखो वहाँ पर क्या होता है, उसके बाद तुम फिर यहाँ आना। लड़का वाला दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, लगातार 2 बच्ची होने के बाद और ज्यादा प्रताड़ित करने लगा, प्रताड़ित के साथ साथ मारपीट सब होता था। उसके बाद इधर 30/5/24 को वो लोग जो है से बुरी तरह से इसके साथ मारपीट किया, इसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया, जान मारने का प्रयास किया, अब जलाने के बाद इसको एक रूम में बंद कर दिया। मकान मालिक के मदद से ये किसी तरह से निकल के आई, अपने पिता के यहाँ गई, पिता डॉक्टर के यहाँ सदर हॉस्पिटल ले गए, जहाँ प्राइवेट पार्ट का बेजाबता मेडिकल रिपोर्ट है कि प्राइवेट पार्ट इसका जला हुआ है। उसके बाद जो है से ये टाउन थाना गई, टाउन थाना वाले भेज दिए सिकंदर ओपी, सिकंदर ओपी में जाने के बाद जांच भी हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज आईजी साहब क्या है, आईजी साहब तुरंत एक्शन लिए, आईजी साहब ने डीएसपी एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए, सिकंदरपुर ओपी से बात कीजिए, सिकंदरपुर ओपी से
डीएसपी एडमिनिस्ट्रेशन ने बात किया, कहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ बहुत बड़ा सुलूक हुआ है, बहुत सुलूकी हुआ है। इसी के लिए लड़की यहाँ आज आई है, न्याय मांगने के लिए आई है। हम उसके अधिवक्ता है, फ्री में उसका काम कर रहे हैं क्योंकि ये गरीब लड़की है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी प्रीता। इसके साथ साथ जो अधिवक्ता है निसारुद्दीन छोटे, उनका क्या कुछ कहना था। दोनों आज अधिवक्ता है और जो प्रीता है आज आईजी से मिलने के लिए पहुंची थी और न्याय की गुहार लगा रही थी। इस खबर में इतना ही, आगे बने रहिए फैसले बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।